हेलो दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन में दोनों में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पूछा जाता है। क्या पूछता है कि सिंगल फेज सर्किट में ऊर्जा का मापन करें। तो ऊर्जा का मापन करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ऊर्जा का मापन करने के लिए क्या आवश्यक वस्तु चाहिए, वो सब सारा प्रोसेस, कोई भी क्वेश्चन हो उसका क्या प्रोसेस होता है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए कि किस तरह से लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका हम सोल्यूशन दे देंगे, सीक्वेंस लिख देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम का डेट भी बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यक वस्तु देखेंगे। आवश्यक वस्तु में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला हेडिंग देंगे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट देंगे, ठीक है। तो टूल्स इंस्टॉलमेंट देंगे औजार और यंत्र, ठीक है। तो औजार में क्या चाहिए, क्योंकि हमको ऊर्जा मीटर का कनेक्शन करना है तो उसी से रिलेटेड हमको सारा औजार अथी चाहिए, टूल्स चाहिए, ये सब चाहिए, औजार चाहिए, ठीक है। तो हमको सिंगल फेज एनर्जी चाहिए, एनर्जी मीटर चाहिए क्योंकि सिंगल फेज में बोला गया है, ठीक है। और रेटिंग देख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, नंबर दे देंगे, कितना पीस चाहिए, रेटिंग मतलब रेटिंग दे देंगे इसमें। तो 240 वोल्ट, 6 एम्पियर का चाहिए एनर्जी मीटर, एक पीस चाहिए। MI मतलब क्या हुआ, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर चाहिए। मूविंग आयरन मतलब होता है AC वोल्ट मीटर, ठीक है। AC एम्पियर मीटर कितना चाहिए, 6 एम्पियर तक का चाहिए, एक पीस चाहिए। वायर स्टिपर चाहिए, एक पीस चाहिए। कम्बिनेशन प्लायर चाहिए, एक पीस चाहिए। ये सब क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सब पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करने में। अब हमको मटेरियल भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मटेरियल भी चाहिए, उसी तरह से सामग्री चाहिए कि प्रैक्टिकल करने में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले नेम इसी तरह से दे देंगे ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो लैंप चाहिए क्योंकि लोड देना है, तो लोड देना है तो लैंप चाहिए ही। स्विच चाहिए क्योंकि आपको ऑन करने के लिए तो जरूरत पड़ेगा ना, ऑन ऑफ करने के लिए। तो 3 लैंप ले लिए हैं, एक स्विच ले लिए हैं, एक फ्यूज ले लिए हैं 6 एम्पियर का। कनेक्टिंग केबल ले लिए हैं, 2 कोर वाला ले लिए फेज और न्यूट्रल के लिए। आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट जो होता है उसके अनुसार यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करने के बाद क्या करते हैं, विधि लिखते हैं, वर्किंग मतलब जो हम प्रैक्टिकल में करेंगे उसी चीज़ को अपने भाषा में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही लिखिए, बस अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो वर्किंग क्या देखेंगे, ऊर्जा मीटर के टर्मिनल कवर को हटा दें। तो ऊर्जा मीटर जो एनर्जी मीटर होगा, पहले उसको क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसका कवर को हटाएंगे, वही लिख दिए हैं। और ऊर्जा मीटर यहाँ पर छूट गया, ऊर्जा मीटर टर्मिनल की पहचान करें, जो कहाँ पर न्यूट्रल देना, कहाँ पर फेज देना, कहाँ लोड देना, कहाँ सप्लाई कनेक्ट करना है, तो उसको हम लोग को पहचान करना पड़ेगा, तभी तो कनेक्ट करिएगा ना। पहचान के गए टर्मिनल को में सप्लाई और लोड को जोड़ें। जब पहचान हो गया तो सप्लाई जोड़ देना, इनपुट जोड़ देना और लोड जोड़ देना है। अब वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर भी जोड़ें, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग वोल्टेज देखें कितना आ रहा है, लोड कितना ले रहा है, इसके लिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्विच को ऑन करें और देखें कि सभी उपकरण लगातार काम कर रहा है कि नहीं। स्विच को ऑन करेंगे देखेंगे वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वो काम कर रहा है कि नहीं, लोड चमक रहा है या नहीं, लैंप जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो ये पूरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब लोड चमक रहा है, लाइट दे रहा है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, ऊर्जा मीटर का रोटेशन देखेंगे, जो घूमता है उसका रोटेशन होता है, जो देखेंगे किलोवाट को नोट करेंगे, किलोवाट में ही एनर्जी मीटर का संकेत दिया जाता है, ठीक है। उसमें रहता है जो नंबरिंग रहता है वो किलोमीटर का ही अति KWH को दिखाता है, सॉरी। तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, 1 मिनट, क्योंकि बिजली जो हमारा आता है, एनर्जी जो उठता है, यूनिट में ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में क्या देना है, फिगर बना देना है, फिगर बना देना है, नाम लिख देना है किसका फिगर बना रहे हैं। तो फिगर के लिए देखिए हम आपको बता दिए, देखिए तो यह सिंपल फिगर बना लेना है आपको, क्या क्या हमको जितना हम मटेरियल टूल्स में लिखे हैं तो वही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सप्लाई ले लिए थे, सिंगल फेज सप्लाई हो गया, स्विच ले लिए, ठीक है, फ्यूज हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर ये हो गया आपका, ठीक है, इधर लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, सीरीज में एम्पेयर मीटर है और पैरेलल में वोल्ट मीटर है। इसमें 4 टर्मिनल होता है, ठीक है, एक होता है आपको इनपुट और दूसरा आउटपुट, 1 और 2 जो हो गया न्यूट्रल फेज हो गया आपका दोनों, और न्यूट्रल फेज यहाँ पर हुए जो आउटपुट हो गया, ठीक है। इसके अंदर में 2 कॉइल होते हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, ये दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ये एनर्जी मीटर का फिगर है, ठीक है।
इस तरह से आपको कनेक्शन दिखा देना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पेन से बनाए फिगर, क्योंकि आपको वीडियो में सही से दिखे, आपको पेंसिल से ही बनाना है, नहीं तो फिगर को काट दिया जाएगा, ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद फिगर बनाने के बाद क्या करना है, जब फिगर बना दीजिएगा तो उसके बाद इसमें सावधानियां लिखना है। क्या लिखना है? सावधानी लिखना है। सावधानी में क्या लिखना है? सभी औजार का हैंडल इंसुलेटेड होना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का वर्क कर रहे हैं तो इंसुलेटेड होना बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो सावधानी हो गया, कोई भी कनेक्शन ढीला नहीं, अगर ढीला होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा, इसलिए ये भी जरूरी है। स्विच ऑन करने से पहले सभी कनेक्शन को एक बार जांच कर लें, नहीं जांच कीजिएगा तो कहीं कनेक्शन गलत हो या तो कुछ हो जाएगा, खराब हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है? परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। रिजल्ट को सिंपल से यही क्वेश्चन को ही रिपीट कर देते हैं, ठीक है। सिंगल फेज एनर्जी, जो सिंगल फेज सर्किट में ऊर्जा का मापन सफलतापूर्वक किया गया, इसी को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोसेस देखना है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा प्रोसेस सेम होगा लिखने का, जिस तरह का प्रैक्टिकल होगा उस तरह का टूल मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिगर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन दोनों का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, पूछ लेता है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो भी हम आपको देंगे, जो भैवा में मौखिक जो पूछा जाता है उसका भी हम वीडियो आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद।